हर्षवर्धन जोशी है, मैं गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ और गांधीनगर में लॉ की स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया साइबर लॉ के लिए और वहाँ पे भी मैं अपना थिएटर चालू रख रहा था और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ वहाँ थिएटर ग्रुप के लिए देखा तो वहाँ पे मुझे कला मंच का एक अच्छा सा मंच प्रदान हुआ और मैं यहाँ पे थिएटर करने लग गया। साथ के साथ मेरे इंद्रवेश जी जो ये लॉ के फंडे के डायरेक्टर हैं उनसे पहचान हुई, उन्होंने मेरा थिएटर देखा और देसी बाम्बू शॉर्ट फिल्म्स, देसी बाम्बू एक यूट्यूब चैनल है, उनकी शॉर्ट फिल्म्स में मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें भी उन्होंने मुझे देखा तो उनको लगा कि शायद निखिल जो कैरेक्टर है लव के फंडे में मेरा वो उसके लिए हर्षवर्धन सही है तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। जब हमारी बात हुई तो उन्होंने फिर लुक टेस्ट के लिए मुझे बुलाया, लुक टेस्ट में भी उन्हें अच्छा लगा, उनका मेरा ट्यूनिंग बैठा और फिर हम काम करने लग गए। लव के फंडे एक रोम कॉम मूवी है, रोमांटिक कॉमेडी एक जॉनर है इसका और इसमें हर एक लड़के लड़कियों का अपना अपना प्लॉट है, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी स्टोरीज चल रही है। उसमें मेरा जो बेसिकली कैरेक्टर है निखिल का है, निखिल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है रिया के साथ। अब वो रिया के साथ रहते हुए किस तरह से उसके मनमुटाव रहते हैं, किस तरह से उसमें प्यार उनके रिलेशनशिप में पनपता है, वही हमारी स्टोरी का मेन बेसिक प्लॉट है। और अगर ये लोग निखिल और रिया एक दूसरे के साथ अगर लड़ते झगड़ते अगर अलग होते हैं और उनमें अगर कोई नए कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं तो किस तरह से हमारी स्टोरी इवॉल्व होती है, यही लव के फंडे का बेसिकली निखिल और रिया का प्लॉट है। इसके डायरेक्टर कौन है? इस फिल्म के डायरेक्टर इंद्रवेश योगी हैं। इंद्रवेश जी की भी एक डेब्यू मूवी है, मूवी से शुरुआत कर रहे हैं, सब यंग है, यंग जनरेशन है, अपना लक अजमा रहे हैं मूवी में, तो क्या उम्मीद है इस फिल्म से आप? हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि आज तक ऐसा देखा गया नॉर्मली कि नए लड़कों के साथ नए लड़कियों के साथ कोई प्रोडक्शन होते हैं, वो जो फिल्म बनाते हैं वो प्रोडक्शन बड़े प्रोडक्शन होते हैं या तो नए नहीं होते हैं बेसिकली यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उनकी भी फर्स्ट फिल्म है, डायरेक्टर की भी फर्स्ट फिल्म है, सब जो लड़के लड़के हैं उनकी भी फर्स्ट फिल्म है, तो इस हिसाब से सब ने अपना 100% देने का, 100 नहीं मैं बोलूँगा 200% देने का एक ट्राई किया है और स्टोरी को पूरी तरह से जस्टिफाई करने के लिए किस तरह से अपने अपने हुनर को आजमाइश करने के लिए किस तरह से मेहनत की जाए उसकी पूरी तरह से जो तालीम दी जाती है और 3 महीने का वर्कशॉप तक किया था हमने मेरे बेसिकली निखिल और रिया के कैरेक्टर के लिए, तो वो सब चीज़ें हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के पीछे। मेरा किरदार बेसिकली इमोशनल है, बाकी के सबके जो किरदार हैं वो सबके सब किरदार कॉमेडी है, थोड़ा सा कोई लड़की पे पंचेज हैं, मेरा बेसिकली निखिल का जो किरदार है वो निखिल का किरदार वन वुमन मैन का है, वो किसी लड़की को टापता नहीं है, वो किसी लड़की को छेड़ता नहीं है, हाँ वो अपनी लड़की यानी रिया के साथ वो बहुत ही प्रेम के साथ रहता है पर वो शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि उसका कुछ बैकग्राउंड स्टोरी है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रेजेडी हो चुकी है शादी की वजह से उनके पेरेंट्स की या तो उनकी फैमिली में, वो आपको फिल्म में पता चलेगा, बट उसकी वजह से कुछ उसका बैकग्राउंड स्टोरी है जिसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाहता। अब शादी ना करते हुए वो सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है जो एक शादीशुदा मर्द निभाता है, पर वो निखिल की ये समस्या को रिया समझ नहीं पा रही और किस तरह से वो स्टोरी आगे बढ़ती है, ये किरदार को निभाने के लिए भी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ ना ही मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहा हूँ, तो हम ऐसे बहुत सारे कपल हैं 4-5 जिनको हम मिले थे, हमने उनसे बात की और बेसिकली उनसे भी हमको ये पता चला कि लिव इन रिलेशनशिप और शादीशुदा लाइफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, यहाँ पर एग्रीमेंट होता है यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं होता है। फिल्म में जैसे डायरेक्टर ने बताया कि एक सोशल साइट के ऊपर पूरी फिल्म है, सोशल जो व्हाट्सएप वगैरह इसके ऊपर पूरा है कि लाइफ का कितना बड़ा पहलू बन गया है, आज के लिए लाइफ का हिस्सा बन गए हैं और यही फिल्म में दिखाया गया है कि रातों रात को फेसबुक पे लड़की से चैट होती है, दूसरे दिन प्रपोजल, तीसरे दिन मैरिज हो जाती है। बेसिकली सोशल साइट्स पे नहीं है, सोशल साइट्स पे जो स्टेटस होते हैं उन पे ये फिल्म का बेसिक प्लॉट है। जैसे कि हम फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे होता है सिंगल, मैरिड, इन रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेटेड, तो एक ये 4 टाइप की अपनी अपनी स्टोरीज हैं, तो ऐसे ही ये प्लॉट्स को डेवलप किया गया है क्योंकि आज की तारीख में लोग सुबह उठते हैं पहले फेसबुक ओपन करते हैं फिर भगवान का नाम लेते हैं और रात को सोने के बाद
सोने से पहले जस्ट फेसबुक ओपन करते हैं और फिर सोते हैं. इट्स लाइक स्टार्टिंग टू एंड लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, अपनी सोशल वेबसाइट्स पे लगे हुए रहते हैं. इट्स लाइक कि हम दो दुनिया जी रहे हैं, एक है रियल दुनिया, एक है विजुअल दुनिया. तो वर्चुअल दुनिया में किस तरह से हम रहते हैं उसको भी इस फिल्म में एक तरह से बताने का ट्राई किया गया है कि आज की तारीख में लोग मिलते कम हैं, वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा प्रेम करते हैं. और फिर वो कहते हैं ना कि आखिर में प्यार करने के लिए मिलना तो पड़ता ही है. फिल्म में कैसी केमिस्ट्री रही हीरोइन के साथ की, अगर बात करें आप? सूफी गुलाटी मेरी जो को एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे दोनों का बैकग्राउंड बहुत अलग है. मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, वो पंजाब से बिलोंग करती हैं. और वो एक लाइक एनर्जेटिक लड़की, जो कुड़ी होती है, पंजाब की कुड़ी, उस टाइप का उसका नेचर है. और मैं थोड़ा सा सीरियस टाइप का बंदा हूँ. तो हम दोनों के बीच में शुरू में एक ऐसा रहा था कि हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बात करें. बट 3-4 महीने का हमने जो वर्कशॉप किया उसमें हमको एक दूसरे की क्या प्लस है, क्या माइनस है, वो सब चीज़ें पता चली. तो उसकी वजह से फिल्म में जब आप हमारी केमिस्ट्री देखेंगे, तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो भी बहुत चुलबुली नटखट टाइप सी है और आप थोड़े से सीरियस टाइप के हो, तो बेसिकली वही आपकी ये फिल्म है. सर जी देखो, बॉलीवुड में हर कोई अपना कदम रखता है, ऊपर जाने की चाह रहती है. हर्षवर्धन क्या सपना लेकर आए मुंबई? मैं मुंबई तो साइबर लॉ पढ़ने के लिए आया था, पहले ये बता दूँ. मेरे को ये आइडिया नहीं था कि मैं सिल्वर स्क्रीन पे या तो फिल्म में काम कर पाऊँगा. बट मैं थिएटर पहले से करता था, यहाँ पे भी थिएटर करने लग गया. और नसीब से या तो आप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहिए, मेरे को फिल्म में मिल गई. और उसके बाद मेरा नेचर या मेरी ये टैलेंट को देख के आप कह सकते हैं मेरे को दूसरी फिल्म इश्कदा खुटा भी मिल चुकी है, जिसका ऑलरेडी पोस्ट काम हो चुका है. अभी वो रिलीज़ पे है वो पिक्चर. तो इश्कदा खुटा भी ये फैज़ अनवर जी की प्रोडक्शन है, FRV बिग बिजनेस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुकाम बहुत दूर है पर पड़ाव अच्छा है. इस फिल्म के लिए कोई लंबा छोड़ा प्रमोशन नहीं है, आप जो कुछ कर रहे हैं आप खुद अपने बलबूते पे कर रहे हैं, कितने भी स्टार के बेटे नहीं हैं आप, तो कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं आप इस चीज़ में? क्योंकि स्टार का सब नहीं है और अपने आप को दिखाना है बॉलीवुड में, पहचान बनानी है, उसके बारे में बात. हाँ, वैसे तो कोई भी अगर बाहर से आता है बंदा बॉलीवुड में एंटर करता है, और ये बॉलीवुड नहीं, आप कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लो, वकील, डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लो, इवन आप अगर कैमरामैन हैं और बाहर से अगर आपके माता पिता में से कोई भी कैमरामैन नहीं है और अगर आप बाहर से आए हैं कैमरामैन बनने के लिए, तो आपको भी अपने लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ता है. और जब आप करोड़ों में से एक बनने की ख्वाहिश लेके काम करने रह चाहते हैं, तो अपने हिसाब से अपना मेहनत तो उतना करोड़ों में एक का होना चाहिए ना. अब टाइटल की बात करें, लव के फंडे, किस तरह के फंडे अपनाए आपने? लव के फंडे बेसिकली मेरे तो सीरियस रहे हैं, सीरियस फंडे हैं. मैं लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल करता हूँ, क्योंकि मेरा कैरेक्टर इमोशनल है. तो जब मैं इमोशनली ब्लैकमेल करता हूँ तो ऑडियंस हमेशा समझ जाएगी, अच्छा ये तो मैं करता हूँ, अच्छा ये तो मैं करता हूँ, हाँ यही है, यही मैं हूँ. क्योंकि एक्चुअल में लड़के लोग होते हैं ना, वो थोड़े से इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले ज़्यादा होते हैं, और लड़कियाँ होती हैं वो थोड़ा रोना धोना टाइप का ब्लैकमेल ज़्यादा करती हैं. तो हम जो ब्लैकमेल करते हैं हम ही लोग जानते हैं. तो जब आप पिक्चर देखते होंगे तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा ये साला, इसको मेरी वाली को पता ना चल जाए कि मैं इस तरह से ही करता हूँ. इस तरह की और भी काफ़ी फिल्में आई हैं, तो इसमें अलग से हट के क्या है फिल्में और भी इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सेम नहीं थोड़ा सा आई है कुछ? देखो, कहानियाँ दुनिया में हर कोई जो जीता है वो एक जैसी होती है. हर एक कहानी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. सबकी गर्लफ्रेंड होती है, सबकी वाइफ होती है, सबके घरों में झगड़े होते हैं और सबके घरों में तलाक भी होते हैं, साथ में फिर तलाक के बाद या तो ब्रेकअप के बाद लोग मिलते भी हैं और आखिर में सब मर जाते हैं. तो कहानियाँ तो सब एक जैसी ही होती है, कहानी कहने का अंदाज़ अलग होता है. जो हमारे माँ बाप ने जिया है वही ज़िंदगी हम भी जी रहे हैं और वही हमारे बच्चे भी जीने वाले हैं, पर उन्होंने उनके पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी जी थी, हम हमारे पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी जी रहे हैं. ऐसे ही जो हमारे डायरेक्टर हैं इंद्रवेश योगी, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से कहानी को मोल्ड करके अपने तरीके से बताने का एक ट्राई किया है. तो जब आप वो पर्सपेक्टिव देखेंगे, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, तो कहानी में आपको एक नयापन दिखेगा. आखिरी सवाल, इस फिल्म में कितना एंजॉय किया आपने? एंजॉय तो बहुत किया. बहुत सारे नए प्लेसेस पे जाने का मौका भी मिला, और हमने कश्मीर में भी शूट किया है, हमने गोवा में भी शूट किया है, बॉम्बे में तो ऑब्वियसली शूट किया ही है,
तो ऐसे ऐसे नए लोग मिले, नई जगहें जाने का मौका मिला, जिससे खुद में भी बहुत सारा डेवलपमेंट आया मुझे, क्योंकि जब नई जगह जाते हैं तो उनके वहाँ के प्लस माइनस सब देखने को मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। अपने फैंस को जो भी मूवी के बारे में क्या मैसेज कहना चाहेंगे आप? नए हैं आप फैंस तो अभी पता नहीं, पर हाँ जो प्रशंसक हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड है और या तो वाइफ है और आप उससे तकलीफ़ में हैं, दुखी हैं, तो आप कृपया करके अपने 2 घंटे निकालिए, पॉपकॉर्न लीजिए और अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में 22 जुलाई को ये पिक्चर देखने ज़रूर जाइए, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, पर वो 2 घंटे अच्छे बीतने वाले हैं। ठीक है, सर एक सवाल है, जैसे कि आपकी मूवी यंग जनरेशन पे है, यूथ पे है, तो कॉलेज में इसका प्रमोशन करेंगे आप ज्यादा? हाँ, अभी ऑलरेडी प्रमोशन चल रहा है कॉलेजेस में भी चल रहा है, अभी हम वाटर किंगडम भी जाके आए, अलग अलग जगह, अभी पुणे में भी हम 3-4 जगह विजिट करके आए, अभी सिटी टूर भी 4 सिटीज़ में हम जाने वाले हैं, तो अपने लेवल पे हर कोई प्रमोशन कर रहा है इस मूवी के लिए, क्योंकि बेसिकली सब लोग नए जुड़े हुए हैं इस फिल्म से और प्रोडक्शन भी नया है, तो वो भी अपने हिसाब से ट्राई कर रहा है कि किस तरह से खुद को इवॉल्व करे, खुद को इस मूवी से अपना एवोल्यूशन में लाए और आगे बढ़े और लोगों को इस मूवी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का ट्राई करें।